तो बीते रोज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कोविड संक्रमण को देखते हुए सुशीला तिवारी अस्पताल के दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां एक उपनल कर्मी महिला अपने उनके पैरों पर गिर गई और सीएम को उन्होंने दुख बताते हुए कहा, और जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और इस पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी और पूरे बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदेश ने इस पूरे मामले पर यह कहा कि बीजेपी सरकार और उनके नेताओं ने उपनल कर्मियों के साथ किस तरह से पूरे 5 साल छल किया और अनेकों मानसिक यातनाएं दी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर के उपनल कर्मियों और उनके परिजन अपने वोट से अपनी इस पीड़ा का मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। सुमित हृदेश का यह भी कहना था कि प्रदेश के विकास के हर मोर्चे पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल रही है, जिसको लेकर जनता अब उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और उत्तराखंड से बीजेपी को इस बात जरूर साफ करेगी। तो सुमित हृदेश ने बीजेपी पर यातनाओं का बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि चुनाव में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां इस तरह की बातें यहां पर की गई और पैरों पर एक महिला गिर पड़ी और साथ ही अपना दुख दर्द भी यहां पर सुनाया। और ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी और सीएम धामी को आड़े हाथ लिया और अब इस मुद्दे को भुनाती हुई यहां नजर आ रही है, जिसके चलते उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है। हालांकि उत्तराखंड में त्रिकोणीय मामला देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कितनी तरह से अपनी सक्रियता यहां पर दिखा रही है उसकी वानगी लगातार देखी जा रही है। और ऐसे में 15 जनवरी से जो यहां पर चुनाव प्रचार की तारीख थी उसे अब बढ़ा दिया गया है, तो अब मुद्दों को भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जिसके चलते सुमित हृदेश ने बीजेपी पर यातनाओं का आरोप लगाया और कहा कि आम जनता का सब शोषण किया है, जिसके चलते अब आम जनता समझ चुकी है और 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा 14 फरवरी को पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में होना है, जिसके चलते अब आम जनता ने मन बना लिया है, ये ठान लिया है कि बीजेपी का हर हाल में सुपड़ा साफ करना है। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सोचने वाली बात है कि उपनल कर्मी जो 90 दिन से ऊपर धरने पर बैठे और उनको एक कोरा आश्वासन दिया जिससे उन्होंने धरने को समाप्त करा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बतौर एक व्यक्ति गए वहाँ, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि कैबिनेट में आपकी मांगों को रखा जाएगा और वो पूरी होंगी, और जिस प्रकार से छल आ गया उन्हें, वो उनकी निगाहें जड़ी रहीं कैबिनेट बैठकों पर, लेकिन उपनल वालों को धोखा मिला। ऐसी पुलिस कर्मी जो हैं उनके पेग्रेड जो 4600 वाला मसला था उसमें भी उनको आश्वासन दिया, उनको धोखा मिला। तो धोखाधड़ी करने वाली ये सरकार है, उसमें महिला कह रही है कि आप राजा हो, तो अब समय आ गया है कि जनता ये राजाओं की सरकार को बाहर निकाले।